वेलकम टू कॉफी विद चौधरी। सो और एक बार हिंदुस्तान इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। चाहे वो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इन कंट्रीज, आज़ादी का एयर, आज़ादी का ऑक्सीजन, चाहे वो 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडियाज का आज़ादी का फ्रेश एयर विदाउट कोरोना इन्फेक्शन, विदाउट 5G 4G मंकी पॉक्स इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो, आज़ादी का हवा अपन पी रहे, आई मीन ले रहे, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। अब सिर्फ 75th ईयर और 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। Yes. Cheers. Cheers once again. Cheers to our health. Cheers for the health of Aruna Chaudhary Bobba. Bobba Aruna Chaudhary ji ka health ke liye. Cheers. YS Jagan Mohan Reddy ji ka health ke liye. Cheers. जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे स्वर्णगर्भे, सो वाट एवर प्रेयर वी डू, वाट एवर दुआ वी रीड, जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे ईशान्य दिग्भागे, आपके घर से श्रीशैलम या सोमनाथ टेम्पल या ज्योतिर्लिंग के कोई भी, उज्जैनी महाकाली, उज्जैनी महाकालेश्वर और केदारनाथ और एनी ज्योतिर्लिंग टेम्पल आपके घर से किस तरफ से है उस तरफ को मोड़ के एक नमस्ते बोलना। ईशान्य दिग्भागे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे, इसका मतलब ये है अपन शिवजी को, भगवान शिवजी को अपनी पहला रेस्पेक्ट, आराधना के पहला जो मतलब शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम बोल के एक ओपनिंग सेंटेंस रहता है, तोली पलकु प्रोलोग, वो जो मुंदुमाटा है वो गणपति को स्तुति करके शिवजी किस तरफ में है आपके घर से, आपके घर से ज्योतिर्लिंग किस तरफ से है, किस तरफ है उस तरफ मोड़ के एक नमस्ते करें। उससे क्या होता, अपना प्रथम नमस्कार समर्पयामि, प्रथम नमस्कार समर्पयामि, ऐसा है अपने इंडिया के भारतीय संस्कृति। वी नो भारतीय शिक्षा स्मृति, इंडियन पीनल कोड, अपन भारतीय शिक्षा स्मृति को डेली बहुत बार, मेनी टाइम्स वी रिकलेक्ट, वी रिपीट, बट भारतीय संप्रदाय स्मृति, भारतीय शास्त्रीय स्मृति, भारतीय वेदाल स्मृति, ये सब मतलब भारतीय ओक शास्त्रालु, भारत के जो शास्त्र है, विभिन्न शास्त्र, विभिन्न तरफ के, विभिन्न तरह के, विभिन्न वैरायटीज के शास्त्र है। थोड़े शास्त्र ऐसा भी बोलते कि अमावस्या बहुत अच्छा दिन है, थोड़े शास्त्र ऐसा बोलते कि पौर्णमी ही अच्छा दिन है, अमावस्या नहीं, थोड़े शास्त्र ऐसा भी बोलते कि पौर्णमी इतना अच्छा नहीं है जितना अमावस्या है। अमावास में एक राशि में सूर्य और चंद्र एक डिग्री में रहते हैं, इसीलिए अमावास, लेकिन ऑस्पिशियस भी इसलिए है। पौर्णमी को सूर्य और चंद्र 90 डिग्रीज में रहता, इसीलिए इतना अच्छा नहीं है, शुभ शकुन नहीं है बोलते हैं। वॉट एवर इट इज, विभिन्न शास्त्र, विभिन्न तरह के, विभिन्न आई मीन रिजल्ट बोलते हैं। थोड़े शास्त्र सायना अच्छा बोलते, निरायना अच्छा बोलते,
थोड़े शास्त्र सूर्यमान चंद्रमान बहुत ही मतलब परफेक्टली डन कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस है, लेकिन सूर्यमान ज़्यादा परफेक्ट है बोलते हैं। इसीलिए अपन किसी को भी दोष नहीं देना, किसी को भी मतलब बुरा नहीं कहना। ये जो बोलते हैं ना, होठों पे सच्चाई रहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मतलब के लिए अंधा होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। जिस देश में अभी तक नारी में सीता है और नर में पुरुष में श्री राम है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। श्री राम जी ने आफ्टर विनिंग द वॉर विद रावण, रावण जी से श्रीलंका में जो सीता को अपहरण करके आते हैं, उस रावण जी से मतलब युद्ध करके, युद्ध में रावण जी को मतलब हरा के वो मर जाते हैं, कुंभकर्ण भी मर जाते हैं, विभीषण रह जाते हैं और शूर्पणखा तो पहले ही मर जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया ये देश कितना अच्छा है, सोना चांदी मतलब पूरा देश ही गोल्डन कंट्री है, पूरा देश ही प्लैटिनम कंट्री है, पूरा देश ही डायमंड स्टडेड प्लैटिनम एंड गोल्डन कंट्री है, सो वो श्रीलंका को अपन क्यों छोड़े। तब उस वक्त श्री राम जी बोलते, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसि, जितना भी अच्छा हो, जितना भी कीमती हो, जितना भी एक्सपेंसिव हो, पराया देश, पराया देश, जितना भी अनएक्सपेंसिव हो, जितना भी कोई दाम नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई वेट नहीं है, कोई कीमत भी नहीं है, फिर भी अपनी माँ है और अपना जन्मभूमि जिस जगह में अपन जन्म लेते हैं और जिस कोख से अपन जन्म लेते हैं, जिस भूमि में अपन जन्म लेते हैं, जिस स्थान में, लोकेशन में, एरिया में, नियोजक वर्गम में, कॉन्स्टेंसी में, जूरिस्डिक्शन में, लोकेलिटी में जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग से भी बढ़ के है। जननी जन्मभूमि स्या स्वर्गादपि गरीयसि लक्ष्मणा सौमित्री सुमित्रानंदना, ऐसा ही समझाते। तो मैं इस बात ओपनली बोलते कि जो इंडियंस अमेरिका में जॉब कर रहे हैं उसका सत्यानाश हो, जो इंडियंस अमेरिका में, दुबई में, बहरान में, ऑल कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, जहाँ भी हो, उस करंट इंडियंस का सत्यानाश हो, उस फैमिलीज का भी अंतिम संस्कार हो, उसका अर्थ ही निकले, क्योंकि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसि।